वफाकी रिथाबंदी वारी वजारत जो इजलास सिंध के एहतजाज बाद तकरारी किरट थरकेलाल फेस टू वो मामलो गडल मुफादन वारी काउंसिल हवाले वफाकी वजीर एसन इकबाल सदारत हेठ इजलास में सिंध के आपाशी खाधे वारी वजीर सेक्रेटरी शिरकत किरट थरकेलाल फेस टू के एजेंडा से सिंध के एतराज से मामलो सीसीआई के उमाने वो सिंध के नुमाइंदन तो पानी की खोट बावजूद सिंध के टेरुखी फार्मूले तहत पानी दिनों पे वे तकरारी मनसूबे से एक इंच भी कम कराने की इजाजत न दींदी। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बावजूद पाक फौज गैर सियासी रहने वाले फैसले से साबित कदम रही फौज के गैर सियासी रहने से फौज और आवाम जहा भी रबता मजबूत गल्फ न्यूज के दिनल इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है तो फौज के गैर सियासी थे कुछ मानून तनकीद कई फौज के गैर सियासी थे जमहूरी कदर सियासी इस्तेकाम के हथीर मिली पाक फौज अस्करी सिफारतकारी जरिए आलमी सियासत में तवाजुन भी कायम रखो है आवाम ही पाक फौज में राबता मजबूत थींदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात सदर और वजीर आजम पारा जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्क के दिफा लाए कल खिदमत की वाखाण पाक फौज की कमांड की तब्दीली वाली तकरीब सुबी जनरल कमर जावेद बाजवा क्यादत नए मुकर्र थ सिपह सालार आसिम मुनीर हवाले कह कमांड की तब्दीली वाली तकरीब की जीएचक्यू रावलपिंडी में थी तकरीब में हाजिर सर्विस ऑफिसर अगूणा फौजी भी शरीक थींदा। स्पीकर अगासराय दुनिया सदारत हेठ सिंध असेंबली इजलास वे वजीर मुराद अली शाह है तो 5 नवंबर से कच्चे में एक डीएसपी समेत 5 पुलिस अहलकार शहीद किया वह पुलिस एक धड़ल के मारे हो पलांद में अहलकार शहीद किया वह कच्चे में धड़ल खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन बाबत ध्यान सिंह के डीए मेंबर नंद कुमार से ध्यान सिंह आयो नोटिस से जवाब डींदे वे वजीर शिकारपुर में सवा साल दौरान 29 धड़ल के मारे वो 585 धड़ल जहा साथी गिरफ्तार कर 63 मुगवी वासियाब कराया वह कश्मोर में 1 साल दौरान 23 धड़ल के मारे वो है हाँ हालतू बेहतर आन हाँ को भी नोगो एरिया ना अस सिंध के टिन्हीं जिलों में डोहार के खत्म कंदासी। सिंध के स्कूल में म्यूजिक टीचर्स की भर्ती वे मामले जो सिंध असेंबली में पढ़ाडो टीएलपी के मेंबर कासिम फकरी जो एतराज वारे ने स्कूल में अरबी टीचर ना सूबे में हजारे स्कूल बंद आन उ खोलने बदर गवैया भर्ती करने जो फैसलो थो है तालीम खाते के वजीर सरदार शाह अस शागिर्दन के इंसान बनाने चाहूं था बेन मुसलमान मुल्क में भी म्यूजिक टीचर आन अरबी में टीचर्स भी भर्ती कंदी पर म्यूजिक टीचर्स लाइ दिल वही मौसीकी रुगो नाच गाने जो नालो ना है। मोटरवे M6 मेगा करप्शन केस में मटियारी हटायल डीसी के घर में घर का न्यूसदाबाद की हटायल एसी मंसूर अब्बासी के घर 45 करोड़ रुपया हथ जैसे एंटी करप्शन टीम मंसूर अब्बासी के घर के तलाशी दौरान 45 करोड़ रुपया हथ कर वरता मंसूर अब्बासी सिंध बैंक हालाचो मैनेजर ताबिश शाह जमानत रद थे गिरफ्तार सिंध हुकूमत मेगा करप्शन केस में 10 गुजरने बावजूद नशर फिरोज के मफरू डीसी ताशफेन आलम की जाय नए मुकर्री न कई कार में बार ठिप की वो आवाम परेशान मटियारी मोटरवे करप्शन स्कैंडल की जांच जारी मटियारी जो मुख्तियार कार
रेवेन्यू अमलदारन समेत एंटी करप्शन हैदराबाद पौतल। सक्कर हैदराबाद मोटरवे लाए नौशर फिरोसी आबादगार के घट मुआवजो मिलने जो इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट वजन जो ऐलान। मुतासर आबादगार असा के जमीन जो मुआवजो बुधाने पे ना सौदा क्या वह करप्शन में रुगो डीसी न पर बासर सियासी मानू भी मुलवस आन इंसाफ हासिल करने ला सुप्रीम कोर्ट वी। एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की अगोणी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल ईंदड़ मकानी चूंडन के ख्याल की डेवट। मुलाकात में वफाकी वजीर अमीनुल हक सादिक इफ्तिकार डॉक्टर आसिम और सलीम मांडवी वाला भी शरीक थे। आसिफ जरदारी कौमी हुकूमत में सभी के गरजी हलणो है। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान में पांजो हाकारी किरदार अदा कर रही है। इमरान खान कुछ भी करे आम चूंडू मुकर्रर वक्त थींदियूं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफान से कोई फर्क न पवंदो। आम चूंडू ईंदड़ साल अक्टूबर या नवंबर में ही थींदियूं। वरी वजीर मुराद अली शाह सिंध में पोलियो मुहिम की इफ्तिताह करने बाद मीडिया से गलाईंदे चयो ते पीटीआई में धड़ाबंदी बाबत पीटीआई वारा ही बुधाए सकन था। सभी के गर्जी सिंध में एहसास महरूमी खत्म करनी पवंदी के इलेक्ट्रिक के पांजो केबलो दुरुस्त करना पवंद। सिंध के गवर्नर कामरान टुसरू कराची में पानी जो मसलो हल करने की कोशिश कर रहा हूं। कराची रोशनी जो शहर है हाने डुहार जो शहर बणजन पे वे कब्जा माफिया शहर छड़े वन। पाकिस्तान में स्मगल थियल हंटिंग टाफियों अमेरिका किया पहुंचू। अमेरिकी शिकायत एफआईए की जांच मुकम्मल। इंडस सिफारिस कंपनी जो मालिक पीर दानिश बिन अमेरिकी शहर नई कस्टम अख्तियारू स्मगलिंग जो जिम्मेवार करार। केडीएन न्यूज के प्रोग्राम द मिरर में शिरकाइंदड़ इंकशाफ रिपोर्ट में जिम्मेवार करार दिनल। पीर दानिश समेत जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल करने की सिफारिश वफाक पारा ब्लैक लिस्ट करार दिनल। इंडस सिफारिस बदस्तूर कम कंदड़ पीर दानिश बेन खिलाफ भी कार्रवाई नहीं। उबावड़ उबर से राउंथी के कच्छे में घोटकी पुलिस जो धाड़ेल खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस धाड़ेल विच में जदीद हथियार एक बे फायरिंग। ऑपरेशन दौरान रॉकेट लॉन्चर जो इस्तेमाल किया वो। इलाके में खौफ वाली सूरत हाल शायल पुलिस पारा ऑपरेशन जारी रखने जो ऐलान। सामार वेझो सिमनाले मां नौजवान जो लाश थे इतला थे पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कर छो। पुलिस जो चवण है साले बबरो वटा हथ आयल लाश की सुणप। नौजवान मोहम्मद अली मलाह तौर थी है। मामले की जांच कई पी वे। केटीएन कावश ग्रुप के सद से एकता ईद मल्हाने जो तैयारू चोट चढ़ियल। कौमी काज वजो ईंदे सिंध जो बहाने वस्तु एकता रंगन में रंगी व्यू। मुख्तलिफ हंधन में एकता ईद जहा प्रोग्राम कौमी गीतन से झूंगार भी वही।